यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान की लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस एक ही होता ही नहीं है यार। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन की लगता ही नहीं है यार। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूं। सचिन तेंदुलकर ने कहां अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है, संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या अनपढ़ गंवार है? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्क्वेयर कर पाओ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई सा काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पररी मजे के बेस पर और टेम्पररी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम में सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे उनका पश्चाताप तुम अभी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है तो एक जिद की। तुम्हारे अंदर अगर कोई जिद उठ गई है बस उसको बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से मुझे पढ़ना है, पढ़ना शुरू। लेकिन आधे घंटे में बोरियत आने लगी, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मेरी हालत बस से बदतर हो चुकी है। अबे अपना मुंह बंद कर, यूट्यूब खोल, अमित बड़ाना, बेबी क्वाइंस, दीपक भैया, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंदा, जिसके वीडियो देखने देख और फिर से पढ़ने बैठ। अब बस, अब मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है, कल कर लूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता, अपने पापा के पैसे को बर्बाद नहीं करना है, तुझे पढ़ना होगा। तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने फोकस पावर को बढ़ाना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कॉन्क्वेयर करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कॉन्क्वेयर करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार, अब थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्त नींद आ रही ना, तो मुंह धो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के पूरी जान लगा दे, दो ऑप्शन है सिर्फ, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं बहुत हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार और, मेसो के फार्मूले एक और बार, केमिकल फार्मूले एक और बार, पीरियोडिक टेबल एक और बार, मेसो के टफ एक्सरसाइज एक और बार, एक चैप्टर और, एक क्वेश्चन और, वो बड़े बड़े आंसर एक और बार, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन एक और बार, एक क्वेश्चन और, थोड़ा और, एक क्वेश्चन और। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे, लोग देखकर हैरान हो जाए कि जो कभी ना पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल की फीस, कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, ना जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है, कम से कम उनका तो ख्याल करो एक बार। और दोस्तों नंबर गए तेल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए। और अभी तो ना जाने जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना है, तो फिर 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज है। लगभग एक महीने बाद आप सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त दीपक दैया आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।